पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टिकरण की राजनीति में लगी है। सरकार के निर्णय समग्रता के साथ सुनियोजित ढंग से लिए जाने चाहिए। जब कांग्रेस के नेता हिंदू आतंकवाद को शब्दकोश में जोड़ रहे थे, तब कमलनाथ जी कहाँ थे? जब दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि भगवा के अंदर आतंकवादी छुपे हैं, तब कमलनाथ जी कहाँ थे? अभी दिल्ली में हुए दंगों के बाद कांग्रेस कहती है कि आतंकवाद को धर्म से मत जोड़ो। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अफजल को गुरु कहते थे, जाकिर नाइक को शांति दूत कहते थे, तो कमलनाथ जी कहाँ थे? जब भी ऐसा मामला होता है तो कांग्रेस के नेता ही क्यों आगे आते हैं? इस बात पर कमलनाथ जी को प्रकाश डालना चाहिए। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ अंकिता दीवान की रिपोर्ट।